पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की एक तंजीम है इस्लामी जमीयत तलबा, जिसको इन्होंने इस्लाम के नाम पर बनाया हुआ, अपने तौर पर कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर बनाया और अपने हिसाब से इस्लाम का प्रचार करते हैं। आज एक लड़के को सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट आईएससीएस डिपार्टमेंट से पेपर देते हुए वो उठाकर बाहर लेकर आए हैं और उसको मारते रहे हैं। पांच जगहों से उस लड़के का सर फट गया, फिर भी वो उसको हिट करते रहे हैं। लड़कियां वहां पर चीखे मार रही हैं, उसके बाद मारते मारते बेचारा वो बेहोश हो गया है। उसे मारे और अपनी गाड़ी में बैठ के बासानी वहां से वो फरार हो गए, निकल गए। उसके बाद वहां पर वही लोग इस वक्त धरना दे रहे हैं, वही लोग जो है उन्होंने हाईजैक भी किया हुआ है, जिन्होंने मारा है। आप उनके हुलिये देखें, ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई दहशतगर्द होते हैं, दहशतगर्द तलबा लग रहे हैं। और ये कोई पहला वाकया नहीं है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में इस तरह से हुआ है। पहले भी हम कितने इस तरह के वाकयात देख चुके हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी की जो इस्लामी जमीयत तलबा की तंजीम है वो किसी ना किसी को मार रही होती है, और जिसको मार रही होती है उसका कसूर सिर्फ इतना होता है कि वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे और उस इस्लाम पे अमल नहीं कर रहे जो इस्लामी जमीयत तलबा ने अपने तौर पर बनाया हुआ है। अभी टीवी पे मैं देख रही थी वजीर कानून पंजाब राणा सनाउल्ला की गुफ्तगू, जैसे वो गुफ्तगू कर रहे हैं मुझे तो नहीं लगता कि कोई एक्शन होने वाला है। बड़े आराम से वो कह रहे हैं कि जी नहीं, हम वीसी को मौका देना चाहते हैं कि वो